आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की। दो छात्राएं अचानक से लापता हो गई। ये छात्राएं स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। स्कूल जाने के दौरान ये कहां लापता हो गई हैं कोई जानकारी नहीं है और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दो छात्राएं जो स्कूल जाने के लिए निकली थी और अचानक से लापता हो जाती हैं, उनका कोई सुराग नहीं लग पाता है। अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, छात्राओं की पतासाजी में जुट गई है। परिजनों को डर है कि किसी ने अपहरण छात्राओं का किया है। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या वाकई में छात्राओं का अपहरण हुआ है? क्या आशंका व्यक्त की जा रही है? देखिए, अभी कुछ कहना अभी मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से दोनों जो छात्रा हैं स्कूल जाने के लिए निकली थी और इसके बाद से लापता हो गई हैं, इससे जो है परिजन जो है काफी दुखी हैं और परेशान हैं। इसके साथ ही 25 तारीख की ये पूरा घटना है। 25 तारीख के जब दोनों छात्राएं निकली थी स्कूल जाने के लिए, इसी दौरान रहस्यमय ढंग से गायब हो गई हैं। परिवार वाले शाम तक जो छात्रा नहीं पहुंचे तो परेशान हो गए और इसके बाद जो है गांधीनगर थाने में जाके इसकी शिकायत की है। उधर जो है पुलिस भी इस मामले को मैं गंभीरता लेते हुए अपहरण की धारा के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही छात्राओं की तलाश कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जहां तक लोकेशन उनका मिल रहा है उधर वो जाकर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह छात्रा मिले। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटा है, इससे स्कूल प्रबंधन के साथ जो उनके परिजन सभी हड़कंप में है, पुलिस विभाग भी हड़कंप में है क्योंकि दोनों नाबालिग छात्रा हैं और उसके अचानक लापता होने से पूरे पुलिस जो है एक्टिव हो गई है और अपने साइबर सेल और चाहे तमाम जो चीजें हैं उससे वो पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अभी छात्रा का पता नहीं लगा है और पुलिस मुस्तैदी से उन छात्रों की तलाश कर रही है। जी बिल्कुल। और दो छात्राएं जो कि स्कूल के लिए निकलती हैं और अचानक से गायब हो जाती हैं, क्या कोई शक है परिजनों को किसी के ऊपर? ऐसी कोई आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसने या तो अपहरण किया होगा या कोई घटना हुई होगी? उम्र क्या है छात्रों की, या खुद से ही कहीं जा सकती हैं? क्या घर में कोई विवाद, ऐसा कोई भी जानकारी? श्रवण, आठवीं की छात्रा हैं और दोनों सहेलियां एक ही साथ जाती हैं, स्कूल जा रही थी उसी समय लापता हुई हैं और यहां तक ये है कि किसी तरह की शंका उन्होंने जाहिर नहीं की है। अच्छा, परिजनों की तरफ से कोई भी शक नहीं है। शुक्रिया आपका श्रवण तमाम जानकारी के लिए। आठवीं क्लास की दोनों छात्राएं हैं, सहेलियां हैं जो कि अचानक से लापता हो गई। पुलिस जांच में जुट गई है। मनेंद्रगढ़ में बिल्डर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। दरअसल घर में घुसकर मारपीट की गई, जेसीबी से घर की बाउंड्री को तोड़ा गया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां बिल्डर की गुंडागर्दी का मामला सामने आ रहा है। घर में घुसकर मारपीट की घटना हुई, जेसीबी से घर की बाउंड्री तोड़ा गया और मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। संवाददाता सुजीत जुड़ गए हैं। सुजीत, घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है? बिल्कुल, बता दो सीसी कोतवाली मैनगढ़ का पूरा मामला है। आमा खेरवा इलाके में जो है पीड़ित परिवार रहता है, जहां पे कल देर शाम जो है जेसीबी से बिल्डर ने अचानक जो है चार से पांच लोगों के साथ वहां पहुंचे और जो सामने बाउंड्री वाल जो बनी थी, दीवाले बनी थी, उसको तोड़ दिया गया है जेसीबी के से। और ये जो पूरे अभी तक जो है देखा जाता था कि प्रशासन जो है बुलडोजर चलाती थी, जेसीबी चलाती थी, लेकिन आम जो बिल्डर है यहाँ पे इतनी बेखौफ है, जो आम लोग घर में जो है बिल्डर चला दी, जिसके बाद वहाँ के जो चार पांच लोग बिल्डर के साथ मौजूद थे वो ताबड़तोड़ जो परिजन है और जो घर वाले थे उन पर हमला कर दिया। और लगातार जो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख भी रहा है किस तरह से जो हमला करके मारते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा जो मामला है पीड़ित परिवार सिटी कोतवाली में दर्ज कराई। वहीं अभी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पीड़ित परिवार जो है शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, वहीं आरोपी को बिल्डर को गिरफ्तार भी किया है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुजीत। और इस तरीके से जो गुंडागर्दी है इसका वीडियो भी सामने आया है। घर में घुसकर मारपीट बदमाशों के माध्यम से की गई है, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और अब खबर है गरियाबंद से, जहां अवैध खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कई अवैध खदानों पर छापेमारी कर खनन में लगे दो मशीन जब्त किए, तीन हाइवा ट्रक भी जब्त किए गए। खनिज विभाग की इस कार्रवाई से लगे खनिज विभाग के खनिज माफिया के बीच हड़कंप मचा हुआ है और छापेमारी को कवर करने गए पत्रकारों से रेत माफिया के गुर्गों ने बदसलूकी की है।
सिंहेश्वर से लगे बोरिद में देखिए खनिज विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। अवैध खनन पर शिकंजा कसने जो पूरी दबंगई के साथ ये खदान जो है चला रहे थे और यहाँ पर एक चैन माउंटेन को सील किया गया है। बोरिद का ये रेत खदान है जहाँ लगातार अवैध तरीके से रेत खदान यहाँ पर चल रहा था और जैसे ही शिकायत मिली तो यहाँ पर खनिज अधिकारी पूरे दल बल के साथ और रात एक बजे पहुंचकर कहीं ना कहीं अवैध खनन पर ये शिकंजा कस रहे हैं कलेक्टर के निर्देश पर। और अब जिले में ये सबसे बड़ी कार्रवाई मान सकते हैं सर, एक बजे रात को पहुंचे हैं और किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर हुई है? जैसे कि हमको शिकायत प्राप्त हुआ था, हम यहाँ पर आए हैं और मौके पर जो मशीन है उसको सील कर रहे हैं जी। क्या कार्रवाई होगी सर आगे? आगे जो है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे जी। और खदानें चल रही है वहाँ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जहाँ भी शिकायत मिलेगी वहाँ कार्रवाई करेंगे जी। तो देखिए कि जो लोग इस खदान को संचालित कर रहे हैं वो अपने आप को राजनीतिक आकाओं तक के पहुंच बताते हैं, उनकी पकड़ बताते हैं और रात को ये चोरी करते हैं रेत। समझ के देखिए कि बड़े नेताओं का नाम लेकर ये रात को रेत चोरी करते हैं। लेकिन गरियाबंद जिला प्रशासन की सतर्कता ही कहें जो एक बजे रात को पहुंचकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं अवैध रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर से खबर की जहां कांग्रेस का मिशन उपचुनाव। रायपुर दक्षिण सीट के लिए कांग्रेस ने समितियां बनाई हैं। अमित श्रीवास्तव को मिली वॉर रूम समिति की जिम्मेदारी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने समितियां बनाई, कई समितियां बनाई हैं जहां रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के लिए समितियां बनाई गई हैं। बड़ी खबर रायपुर से संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, कांग्रेस मिशन उपचुनाव में जुट गई है और इसके चलते कांग्रेस ने समितियां बनाई हैं? जी बिल्कुल, देखिए रेणु, तीन समिति का गठन किया गया है। वार रूम से समिति की जो महत्वपूर्ण जो जवाबदारी है अमित श्रीवास्तव को सौंपी गई है। संयोजक उसे बनाया गया है। जयवर्धन विस्ता है, उसे भी जवाबदारी दी गई है। विनोद तिवारी है, संगीता दुबे है, सहित 11 ऐसे लोग हैं जो पदाधिकारियों का नाम है जो वार रूम समिति के लिए है। इसी काल तरह जो प्रोटोकॉल समिति है, जो स्टार प्रचारक आएंगे उनको लेकर के, जो अजय साहू है उसको, दिलीप चौहान को भी पदाधिकारी दी गई है। इसके साथ साथ 6 लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। और मतदाता पर्ची, चूंकि चुनाव के वक्त पर्ची का वितरण करना महत्वपूर्ण जवाबदारी होती है, मतदाताओं के घर तक जो पर्ची का वितरण होता है तो उनके लिए भी 5 सदस्यीय टीम बनाया गया है जिसमें विकास तिवारी को संयोजक बनाया गया है और इसके अलावा भावेश शुक्ला है, विधि नामदेव, रमेश जी और अरविंद शर्मा, इन सभी को जवाबदारी दी है। और रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर के कांटे की टक्कर अभी चल रही है फिलहाल, तो ऐसे में कांग्रेस इस किले को ढहाने का प्रयास है कर रही है, उसमें सेल लगाने का प्रयास कर रही है और इसीलिए अलग अलग समितियों का गठन है दक्षिण विधानसभा चुनाव उपचुनाव के लिए किए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। और इस तरीके से तीन समितियां तैयार की गई हैं रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के लिए, इन समितियों का गठन किया गया है। खबर जांजगीर चांपा से जहां पर पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से भारी मात्रा में अवैध पटाखा जब्त किया, साथ ही मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जब्त पटाखे की कीमत 2,58,000 आंकी गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। और संवाददाता कैलाश कश्यप जुड़ गए हैं। कैलाश, छापेमारी की जा रही, अवैध पटाखा जब्त किया गया है? जी, लगातार दिवाली त्योहार में अवैध फटाखे के ताबड़तोड़ कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ फटाखा व्यवसायियों में भी निराशा है क्योंकि लाइसेंस अब तक जारी नहीं किया गया। उनके द्वारा 1 महीना पूर्व ही लाइसेंस के लिए सारे कागजात तैयार कर जमा कर लिया गया था, लेकिन अभी तक लाइसेंस जारी नहीं होना ही कहीं ना कहीं अवैध फटाखों का के ऊपर कार्रवाई हो रहा है। यदि उनके ऊपर लाइसेंस होती तो शायद ये अवैध फटाखे नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पहले ही लाइसेंस अपने नाम से जारी कराने के लिए आवेदन सबमिट कर दिए, लेकिन अब तक प्रशासन ने इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है जिसके कारण उनको भुगतना पड़ा है, लगातार चक्कर लगाना पड़ा है और आए दिन में उनके व्यवसाय में कहीं ना कहीं ये बाधा आ रहा है, क्योंकि पहले से इनको लाइसेंस यदि जारी हो जाता तो शायद आज उनके व्यवसाय पर किसी तरह की बाधा नहीं आती और दिवाली में उन लोगों की भी जो है रौनक रहती, उनके परिवार भी आखिर व्यवसाय के लिए पहले जो है आवेदन सबमिट कर रहे हैं। इस पर दोहरा नीति अपनाया जा रहा है, प्रशासन एक तरफ कार्रवाई कर रहे हैं दूसरी तरफ लाइसेंस जारी नहीं कर रहे हैं और मुश्किल से 2-3 दिन ही बाकी है दिवाली त्यौहार, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई, कहीं ना कहीं फटाखा व्यवसायी में मायूसी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से
अवैध जो पटाखों की बिक्री है इस पर रोक लगाने के लिए ये लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है जहां पर 2.5 लाख से अवैध पटाखे, 2.5 लाख से ज्यादा के अवैध पटाखे जब्त किए गए। खबर बिलासपुर से, जहां उपभोक्ता फोरम ने बिजली गुल होने से आइसक्रीम पिघलने के मामले में बिजली कंपनी को दोषी ठहराया है और आइसक्रीम संचालक को 20,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि 16 और 17 फरवरी 2021 को 24 घंटे तक बिजली बंद थी और इसके कारण पार्लर के आइसक्रीम और फ्रोजन उत्पादों को भारी नुकसान हुआ है। बार बार शिकायत करने के बावजूद बिजली कंपनी ने बिजली की सप्लाई बहाल करने में लापरवाही बरती। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, उपभोक्ता फोरम ने बिजली गुल होने से आइसक्रीम पिघलने के मामले में बिजली कंपनी को दोषी ठहराया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, 2021 का ये पूरा मामला है। स्वराज घोष आइसक्रीम पार्लर के संचालक जो है उन्होंने एक ये उपभोक्ता फोरम में याचिका लगाई थी, जिसमें कहा था कि वो बिजली गुल, अघोषित बिजली गुल करने की वजह से उनके हजारों रुपए का जो आइसक्रीम है वो पिघल गया था, जबकि इसकी सूचना जो है वो विद्युत कंपनी ने नहीं दी थी, जिसको लेकर सुनवाई हुई और सीधे तौर पर जो उपभोक्ता फोरम है उन्होंने बिजली कंपनी को दोषी पाया और 20,000 जुर्माने के साथ ही 6,135 रुपए अतिरिक्त देने का आदेश जो है वो उपभोक्ता को दिया है। फिलहाल एक अलग तरह का ये पूरा मामला है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बिजली गुल की समस्या लगातार बनी रहती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अघोषित बिजली 24 घंटे तक के बंद कर दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो दुकानदार है, खास करके आइसक्रीम पार्लर, जिनकी जो आइसक्रीम पार्लर में बिजली की जरूरत होती है वहां पर उनकी बिजली की नहीं होने की वजह से जो आइसक्रीम है वो पूरी तरीके से पिघल गया था। लिहाजा उपभोक्ता फोरम ने एक बड़ा फैसला देते हुए विद्युत कंपनी के ऊपर एक जुर्माने के लिए आदेश दिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से जुर्माने के आदेश दे दिए गए हैं। बिजली बंद करने के चलते जो फ्रोजन आइटम होते हैं, जो आइसक्रीम्स होते हैं, वो सब खराब हो गई और भारी नुकसान व्यापारी को लगा था और इसके चलते उपभोक्ता फोरम में ये पूरा मामला पहुंचा और अब भारी भरकम जुर्माना बिजली कंपनी को लगाया गया है। रायपुर में एसी फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, बिल्डिंग में आग लग गई। देवेंद्र नगर में स्थित बिल्डिंग में एसी फटने से आग लगी। कमरे में धुआं भरने से 2 लोगों का दम घुटा और उनकी मौत हो गई। जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो एक महिला को गंभीर हालत में, जिसका दम घुट रहा था, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। एक की पहले ही मौत हो चुकी थी। 2 लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है और ये पूरी घटना सामने आई है। जब रायपुर में एसी फटा, आग लग गई और दरवाज़ा इनका ना जाने कैसे लॉक हो गया कि दरवाज़ा खुल नहीं पाया और 2 लोगों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि दम घुटने से मौत हो गई। रायपुर से खबर है, आगे बढ़ेंगे। भोपाल से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी की बेटी ने खुदकुशी कर ली, ब्लेड से खुद का गला और कलाई की नस काटकर सुसाइड कर लिया। दरअसल जो पूर्व डीजीपी का बेटा है वो पिछले 2 साल से डिप्रेशन में था और 2 साल से भोपाल में ही रह रहा था। गला और कलाई की नस काटने के बाद युवक, उसकी पत्नी और बेटा तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुखद ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां भोपाल में छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी के बेटे ने खुदकुशी कर ली, ब्लेड से खुद का गला और कलाई की नस काट ली और सुसाइड कर लिया। डीजीपी का बेटा पिछले 2 साल से डिप्रेशन में था, 2 साल से भोपाल में ही रह रहा था और गला कलाई की नस काटने के बाद युवक और उसकी पत्नी तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी पूर्व डीजीपी के बेटे की। कांकेर से खबर है, पुलिस ने तंत्र मंत्र के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया और बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। घटना के बारे में बताया जाता है कि ठग गिरोह ने पीड़ित को तंत्र मंत्र के जरिए गुप्त धन निकालने का झांसा देकर 7 लाख की ठगी की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ा है। आपसे कितना पैसा लिया? वो मेरे से पैसा टोटल 7 लाख रुपया लिए। पहले 3.5 लाख रुपया दिया, उसके बाद 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 50,000 और 25-25 लास्ट में। कितने लोग थे उसमें? पहले तो एक ही आते थे, उसके बाद 3 लोग आए जब चेक हुआ तब, उसके बाद जब पूजा हुआ उस समय 5 लोग आए थे। इसकी शिकायत की है थाने में? हाँ, मैं 18 तारीख को
बांदे थाना में जाकर मैं पहले सूचना दिया हूँ, जो कि मैं कार्रवाई उचित कार्रवाई हो और इस क्षेत्र में दोबारा मेरे जैसे कोई शिकार ना हो, ऐसे करके मैं दुर्ग से खबर है जहां दर्दनाक हादसा हो गया। तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया। तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। काफी मशक्कत की गई तब जाकर शव को बाहर निकाला जा सका। मुंगेली में धान गबन का मामला सामने आया। 18 लाख के धान गबन का मामला, जहां खरीदी केंद्र के प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब इस दौरान विचारपुर खरीदी केंद्र में गड़बड़ी आई थी सामने। जब जांच की गई तो यहां पर एक बड़ी धांधली देखने को मिली है। धान गबन के मामले में, 18 लाख के धान गबन के मामले में खरीदी केंद्र प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। विचारपुर खरीदी केंद्र में बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी और उसके बाद जब जांच की गई तो बड़ी तादाद में धान गबन का मामला सामने आया। संवाददाता प्रशांत शर्मा जुड़ गए। प्रशांत, 18 लाख की धान का गबन किया गया? जी निश्चित रूप से, मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने जिस तरह जांच के आदेश दिए थे, उसके बाद एक के बाद एक कई खरीदी केंद्र है जहां गड़बड़ियां सामने आई है। और वैसे ही एक जो खरीदी केंद्र है, जो खास्टरपुर इलाके के विचारपुर धान उपार्जन केंद्र, जहाँ जो खरीदी प्रभारी है वेद प्रसाद गबरेल, उसके द्वारा 18,77,000 रुपए के धान गबन का मामला सामने आया है। जिसके बाद खास्टरपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। 420 धारा 409 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 18 लाख के धान के गबन का पूरा मामला सामने आया है। बिलासपुर में कोनी थाना क्षेत्र में शराब पीकर गाली देने से मना करने पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से। कोनी थाना क्षेत्र में शराब पीकर गाली देने से मना करने पर दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, दरअसल विवाद यह है कि एक युवक जो कि पड़ोसी के घर के सामने बैठकर शराब पीकर गाली गलौज दे रहा था, मना करने पर विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट हो गई और एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडों से प्रहार किया गया। इस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। खबर अंबिकापुर से, जहां पर भालू ने वन विभाग की बीट गार्ड पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बीट गार्ड को अस्पताल भर्ती किया गया है। घटना लखनपुर वन परिक्षेत्र के गुमगरा कला जंगल की बताई जा रही है। बड़ी जानकारी अंबिकापुर से है, जहां भालू ने वन विभाग की बीट गार्ड पर हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल बीट गार्ड को अस्पताल भर्ती किया गया है। घटना लखनपुर वन परिक्षेत्र के गुमगरा कला जंगल की बताई जा रही है। बात कोरिया की, जहां टाइगर का आतंक जारी है। बैकुंठपुर के नानभान में फिर से बाघ नजर आया। बाघ ने मवेशी का शिकार किया था। बाघ का वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। तो खबर कोरिया से है, जहां पर टाइगर का आतंक जारी है। बैकुंठपुर के नानभान में फिर से बाघ नजर आया। बाघ ने मवेशी का शिकार किया था। बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आप ये देखिए कि जो बाघ है वो इतना शक्तिशाली है कि अपने बराबर जानवरों को जबड़े में फंसाकर खींचने की कोशिश कर रहा है। और कोरिया में ये दिलचस्प तस्वीर सामने आई है बाघ के शिकार की। और वन विभाग ने अलर्ट जारी किया आसपास के इलाके में।
कोरिया में टाइगर की दहशत इस वक्त फैली हुई है। और रायपुर में गायों की पार्टी, आपने कभी सुनी है? नहीं सुनी, आप देखिए, एक गौ सेवक ने गायों की बर्थडे पार्टी की है। गायों को विशेष फ्रूट और सलाद की अनोखी पार्टी दी गई है। पार्टी देने का वीडियो सामने आया है। राजधानी के खैरागढ़ में 2000 किलो फलों और सब्जियों की रंगोली बनाई गई। रंगोली बनाने में करीब 9 घंटे लगे और ये रंगोली तैयार की गई है गायों के लिए, जिसमें आप देखेंगे बहुत ही अलग अलग प्रकार के जो फल हैं और सब्जियां हैं, इसको मिलाकर ये पूरी रंगोली तैयार की गई है और गायों को ये दावत दी गई है। कोरबा में SECL की गेवरा खदान में नाली निर्माण के दौरान मिट्टी धस गई, मलबे की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई। 2 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें पिछले 20 दिनों में खदान में यह 5वीं घटना सामने आई है। खदान के 4 नंबर गेट के पास यह हादसा हुआ है और मौके पर एक ही परिवार के 3 लोग काम कर रहे थे। मिट्टी पत्थर गिरते देख 3 लोग भागने लगे, लेकिन विशाल और भाई करण मलबे में दब गए। विशाल का साला भी चोट लगने से घायल हुआ है। दीपका पुलिस हादसे की जांच कर रही है। और दुर्ग से खबर है, शिवनाथ नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन के मौके पर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचा था और उस दौरान महमरा एनीकट पर पिकनिक मना रहा था। नहाने के दौरान शिवनाथ नदी में युवक डूब गया और उसकी मौत हो गई। बिलासपुर से खबर है, जहां पर दिवाली को लेकर प्रशासन अलर्ट है। खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर की 21 दुकानों पर छापे मारे और सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर भेज दिया। बता दें कि त्योहारों के मौसम में मिठाई में मिलावट का खेल होता है और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जाता है। गरियाबंद में देवभोग क्षेत्र के डोंगरीगुड़ा गांव में तहसीलदार और बीएमओ की संयुक्त टीम ने छापा मारकर अवैध क्लिनिक को सील कर दिया। एक घर में आरोपी हेमलाल नागेश बिना डिग्री के अवैध क्लिनिक चला रहा था। प्रशासन ने क्लिनिक से बड़ी मात्रा में दवाइयां और इंजेक्शन जब्त किए हैं। घर को भी सील कर दिया है। खासतौर पर अवैध क्लिनिक से गर्भपात जैसी दवाइयां मिलना गंभीर मामला सामने आया है। और चलिए अब देखेंगे।